दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट एंड खुशबू बेहतरीन आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगा। गाइस देखिए थोड़ा प्याज मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, अभी मैंने चार्ज में से निकाल के अब आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आज मैं बना रहा हूँ मटन कोरमा, और इसमें मैंने चार प्याज और कुछ खड़े मसाले डाले हैं तेज पत्ते के साथ। इसमें दो तीन लौंग और दो तीन जीरा बोल रहा हूँ, दो तीन इलायची और एक बड़ी इलायची, और इसमें चार मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के उसको भी थोड़ा सा भुनेंगे, उसके बाद हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो आप पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको फुल रेसिपी मिलेगी आज मटन कोरमा का। अभी प्याज हो गया हल्का ब्राउन, अब इसमें हम डालेंगे, अभी सरसों के तेल में आज रेसिपी फुल बन रही है, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, आप पूरी एंड तक वीडियो देखिए। और मैं डाल रहा हूँ इसमें मटन, देखिए मटन डाल दिया हूँ, बच्चे का गोश्त है ये, छोटे बकरे का गोश्त है, 10-12 किलो का बकरा था उसका ही गोश्त है, थोड़ा सा चर्बीदार गोश्त लाया हूँ मैं। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी बनेगी, आप एंड तक वीडियो देखिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, और ये वीडियो फेसबुक के भी पेज पे बनेगा जो मेरा आसिफ खान किचन के नाम से फेसबुक पेज है, मैं उस पर भी ये वीडियो डालूंगा, तो आप उसके भी मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो गाइस देखिए अभी हमारा गोश्त पानी छोड़ दिया है, और हम डाल रहे हैं अभी इधर थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, अभी हम नमक डालेंगे। हल्दी भी डाल दें, देखो ये दोस्तों अभी इसमें मैंने हल्दी और नमक डालने के बाद से अब इस आंच को फ्लेम को जो है ना वो मीडियम कर दूंगा और उसको पकने दूंगा मैं 10 मिनट तक। देखिए गाइस इसको 10 मिनट के बाद से भूनने पर इसका कलर कैसा है, आप इसमें हम डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में ग्रीन चिली। तो ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, इसमें जीरा ऑलरेडी पेस्ट में जीरा पाउडर पीस गया है, और थोड़ा सा मिर्ची लाल मिर्च, ये तीखा नहीं है उतना, बस अब इसको भूने एकदम धीमी आंच पे, धीमी मिर्च मीडियम स्लो। मजा चाहता होगा इस, देखिए मैंने थोड़ा इसको भूनने के बाद से मसाला डालने के बाद से भूनने के बाद से थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाला है, अभी थोड़ा इसको पानी में डाल के हम और भूनेंगे, क्योंकि गोश्त अभी 40-60% तक ही गला है, तो इसको हम और भूनेंगे, एकदम धीमी आंच पे भुनाई हो रहा है, और जितना भूनेंगे गोश्त को उतना टेस्ट आएगा। फिर लास्ट में मैं एक मसाला डालूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा मसाला डाल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे मसाले मैंने डाल चुका है, बस लास्ट में मैं जब एक मसाला डालूंगा आपको दिखाऊंगा कौन सा मसाला डाल रहा हूँ, उससे टेस्ट और निखर के आता है उस मसाले से, वो रेडीमेड मसाला है। तो गाइस देखिए बहुत ही बेहतरीन हमारा मटन कोरमा बन के रेडी हुआ है, ये कोरमा लोकल स्टाइल में बन रहा है, और गोश्त भी गल गया ऑलमोस्ट, तो अभी इसका जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पे बन रहा है, बेहतरीन भुनाई हो गया, अभी थोड़ा सा इसको हम और भुनेंगे ठीक, उसके बाद से हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि इसको हम खाएंगे रोटी और पुलाव के साथ, जो व्हाइट पुलाव होता है घी राइस, उसके बाद हम इसको खाएंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों देखिए हमारा जो मटन रेसिपी है आज बहुत ही बेहतरीन इसका बुनाई हुआ है, और ऑलमोस्ट हमारा जो ये रेसिपी बन के रेडी हो चुका है, अब इसका आखिरी जो मसाला आखिरी इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे इसमें, और उसके बाद से फ्लेम को करेंगे बंद। तो गाइस देखिए ये वही मसाला है, ये है कोरमा मसाला होममेड, अब इसको डाल रहे हैं, होममेड नहीं है ये रेडीमेड है, लेकिन इसको मेरे को मालूम है बनाना, जबकि इसमें और भी मसाले डाले गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अहमद का कोरमा मसाला ये मैं कतर से लेके आया हूँ, यहाँ पे भी मिलता है, फ्लिपकार्ट से भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, अमेजोन से भी मंगा सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के, पानी नहीं हम अपना जो मेन इंग्रेडिएंट्स दही है थोड़ा सा डाल के इसको थोड़ा सा भूनेंगे, बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।
तो गाइस देखिए हमारा जो कोरमा है वो अभी ये पानी को हम थोड़ा सुखाएंगे, लटपट बनाना है, क्योंकि अब इसमें डाल रहा हूँ मैं सब्ज मिर्ची, 4 सब्ज मिर्ची डाल रहा हूँ। अब इसको ढक दूंगा थोड़ा चला के, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, गोश्त भी अच्छे से गल गया है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हुआ है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट एंड खुशबू बेहतरीन आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगा। अभी हम ये ऑलमोस्ट गल गया है, पूरा गोश्त बन के रेडी हो चुका है। कितना अच्छा लुक, कितना अच्छा कलर, पूरा घर में खुशबू ही खुशबू दोस्तों। तो चलिए अभी थोड़ा सा इसका पानी और खुश करेंगे, ऑलमोस्ट फाइनली बन चुका है और हम इसको जब खाएंगे तो आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो गाइस देखिए आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा, और ये मटन कोरमा हमारा यूपी का लोकल स्टाइल है, और आप पूरी रेसिपी देखिए। और बहुत ही आज गर्मी है, मैंने फिर भी एक मेहमान आया है तो सोचा आज किचन में घुसा जाए और जल्दी जल्दी हाथ बटा दिया जाए, तो मैं भी हाथ बटाने के लिए घुस गया किचन में। तो बहुत ही अच्छा रेसिपी बना, पूरी वीडियो को फुल देखिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और आगे फॉरवर्ड भी करिए अपने दोस्तों को, फैमिली में जो खाने पकाने का बहुत शौकीन रखता हो। ये रेसिपी यूपी में जो हमारे लोकल गांव में बनता है, मिलता जुलता उसी टाइप का रेसिपी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उसको भी फॉलो कीजिए।